क्वेश्चन नंबर वन, y plus 2x square plus 3x plus 2। स्टूडेंट बहुत तेजी से सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है? तो ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं, राइटिंग थ्योरी वगैरह नहीं लिखूंगा, फटाफट से करना है और फटाफट से हम लोगों को समझना है, ठीक है? क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन है x square plus 3x plus 2। तो इसका अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हमें लेना है तो कितना आएगा, d by over dx plus 2x plus 3 plus 0, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आया वो आया 2x plus 3। उसके बाद अगर इसका हम सेकंड अगेन लेते हैं, अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, अगेन डेरिवेटिव, ठीक है? मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। उसके बाद अगेन डेरिवेटिव लोगे तो d by over dx का डेरिवेटिव करोगे, जैसे हमने एग्जांपल में किया था, तो कितना आएगा d square y upon dx square, और 2x plus 3 का करोगे अगेन डेरिवेटिव तो कितना आएगा 2, केवल 2 आ जाएगा और प्लस 0, यानी जो फॉर्म आई तो जो आंसर आया आपका वो आया केवल 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है y equals to x की पावर 20, ठीक है? इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा d by 1 dx equals to 20x की पावर 19, ठीक है? उसके बाद इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन लेना हमें, ठीक है, अगेन तो कितना जाएगा d square by over dx square equals to 20 × 19 × x की पावर 18, ऐसे लिखना होगा, ठीक है? और यहाँ पे इसकी मल्टीपल आएंगे तो कितना 380 x की पावर 18, ठीक है, d square by over dx square, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है y equals to x cos x। यहाँ पर आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर क्या है दो टर्म है x और cos x, तो यहाँ पर जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा d by over dx equals to और x d over dx cos x plus cos x d over dx x, इसका लेंगे तो ये कितना आ जाएगा x cos का d over dx minus sin x plus cos x into 1। तो देखा जाए तो dy over dx की वैल्यू कितनी आई आपकी dy over dx equals to इस ये पॉजिटिव टर्म है ना, तो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ cos x minus x sin x, तो ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब हम अभी इसका हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो वैल्यू क्या थी हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, अगेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद क्या है यहाँ पर d स्क्वायर बाई ओवर dx स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखो cos x का अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे हम यहाँ पर तो कितना हो जाएगा cos x का माइनस sin x, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ माइनस sin x, उसके बाद माइनस का साइन लगाऊंगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखो अगर डेरिवेटिव लेना है किसका d ओवर dx x sin x, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हुए। तो d स्क्वायर बाय ओवर dx स्क्वायर माइनस sin x माइनस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर से, और प्रोडक्ट रूल जब लगेगा तो यहाँ पर देखो क्या होगा sin x d over dx x plus x d over dx sin x, यहाँ पर इतना हो जाएगा। उसके बाद d square y over dx square equals to minus sin x minus sin x into 1 plus x cos x, उसके बाद d square b by over dx square और minus sin x, इस minus की multiply अंदर कराएंगे तो अंदर बचेगा sin x minus x cos x, कितना हो गया? अब देखो minus sin x और minus sin x कितना हो गया, minus का 2 sin x हो गया, ठीक है? तो d square by over dx और यहाँ पर हो गया minus का 2 sin x minus x cos x, यहाँ पर देखो d square by over dx square, या minus minus common आ सकता है, तो अंदर अंदर क्या बचेगा 2 sin x
प्लस एक्स कॉस एक्स, ये आपकी फाइनल स्टेटमेंट हो गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू log x, देन डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी बाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, बस समझ जाना अगेन, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। वन अपॉन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो ये जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर माइनस टू। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है। ठीक है, और बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है जो, वो है एक्स क्यूब लॉग एक्स वाई इक्वल्स टू, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो कितना, डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पर एक्स क्यूब अलग टर्म है और लॉग एक्स अलग टर्म है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, लॉग एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स। इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, लॉग एक्स 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड 1 अपॉन x। ठीक है, अब एक चीज यहां देखो, x क्यूब है यहां पर और यहां पर x है, तो 1x से 1x कट जाएगा। ठीक है, और यहां पर कितना बचा, 3x स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर, ये तो बचा d by 1 dx। अब हमें क्या लेना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, तो फटाफट से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगेन लिख रहा हूं मैं यहां पर, उसके बाद ये हो जाएगा डी स्क्वायर बी ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर देखोगे तो 3x स्क्वायर एक टर्म हो गई और log x एक टर्म हो गई, तो इसमें क्या लगाना होगा, मैं प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं log x डी ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डी ओवर डी एक्स log x प्लस इसका, अब एक्स स्क्वायर का डी ओवर डी एक्स लेना है यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपका प्रोडक्ट रूल लगा गया है, अब लेना है एक्स स्क्वायर, तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स इंटू सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स प्लस प्लस टू एक्स, हो गया। यहाँ पर कितना जाएगा, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्स एक्स लॉग एक्स प्लस एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, देन कितना हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस टू एक्स। उसके बाद डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो एक हो जाएगा सिक्स एक्स लॉग एक्स प्लस फाइव एक्स। ये आपकी फाइनल स्टेटमेंट यानी फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में बोल रहा है y इक्वल टू e की पावर x sin x। ध्यान देने वाली बात है, सॉरी 5x है यहाँ पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको समझना है कि कहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगना है, कहाँ पर डिवाइड वाला रूल लगना है। तो यहाँ पर देखिए, e की पावर x एक अलग टर्म है और sin 5x क्या है, अलग टर्म है, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। ठीक है, तो एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो कितना हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू साइन फाइव एक्स डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी ओवर डी एक्स साइन फाइव एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, साइन फाइव एक्स इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पर देखिए ई की पावर एक्स। ठीक है, उसके बाद साइन फाइव एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 5x और 5 का करेंगे 5x का तो 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो d by over dx की वैल्यू आई वो आप क्या की, sin 5x into e की पावर x plus e की पावर x into cos 5x into 5। तो यानी इसको थोड़ा सा और इजी करके इजी फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो d by over dx plus 2 यहाँ पर हो गया e की पावर x sin 5x plus 5 को पहले लिखते हैं 5 e की पावर x cos 5x।
अब इसका क्या लेना है, हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब लेंगे देखो क्या होगी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अगेन, और यहाँ पर आ नहीं पाएगा, चलो मैं यहाँ पर रफ करता हूँ। सारे क्वेश्चन एक जैसे हो गए और बहुत इजी क्वेश्चन हैं। अब देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है हमें, तो अगेन डेरिवेटिव करना होगा हमें, तो अगेन डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पर देखो हमारे पास है क्या, e की पावर x sin 5x है। तो यहाँ पर देखो दो टर्म है हमारे पास, e की पावर x और sin 5x, और यहाँ पर भी दो टर्म है 5 e की पावर x और cos 5x। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सब में दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो दोनों में फटाफट से प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो आप यहाँ पर देखो sin 5x पहले वाली टर्म में लगा रहे हैं, तो पहले तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है sin 5x d ओवर डी एक्स e की पावर x प्लस e की पावर x d ओवर डी एक्स sin 5x। तो ये तो पहली टर्म में लग गया, ठीक है, ये वाली टर्म में। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की, इसमें 5 e की पावर x, तो यानी 5 से मल्टी होनी है, तो 5 मल्टी को अंदर मैं बाहर रख लेता हूँ 5 को, और e की पावर x और cos 5x की हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, cos 5x d ओवर dx e की पावर x प्लस e की पावर x d ओवर dx cos 5x, ये लग गया, ठीक है। उसके बाद आपको करना कैसे है, d स्क्वायर बाय ओवर dx स्क्वायर sin 5x, तो sin 5x ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और e की पावर x लिखेंगे, sin 5x का कितना हुआ cos 5x और 5x का कितना हुआ 5। उसके बाद 5 से मल्टी करानी होगी हमें इसके अंदर, तो यहां पर अभी फिलहाल लिख लेते हैं cos 5x into e की पावर x प्लस e की पावर x और cos 5x का कितना होता है cos 5x का कितना हो गया माइनस sin 5x, और 5x का करेंगे तो केवल 5 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो आगे सॉल्व करना होगा थोड़ा और, d स्क्वायर बाय ओवर dx स्क्वायर e की पावर x, यहां पर लिखते हैं e की पावर x sin 5x प्लस 5 e की पावर x 5 e की पावर x cos 5x प्लस 5 से मल्टी करानी होगी अंदर, तो जब इस टर्म में हम मल्टी कराएंगे तो कितना आएगा 5 e की पावर x cos 5x। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड टर्म है यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर कितना आया माइनस, और 5 से मल्टी कराएंगे तो कितना 5 और यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। तो 5 5 का 25 एंड e की पावर x sin 5x, तो ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, e की पावर sin 5x है और देखो यहाँ कहीं पर है e की पावर, ये देखा है देखो e की पावर x sin 5x, तो यहाँ पर 25 e की पावर sin x sin 5x है और यहाँ पर e की पावर sin 5, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस 24 e की पावर x sin 5x, ये हो गया। अब देखते हैं 5 e की पावर cos x cos 5x और 5 e की पावर cos 5x दोनों पॉजिटिव है, तो आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो कितना हुआ 10 e की पावर x cos 5x, ठीक है। तो आपका आंसर जो है और छोटा हो गया। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर d स्क्वायर बाय ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, इस टर्म को पहले लिखते हैं और इस टर्म को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज और समझ आ रही है, e की पावर x यहां पर कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, तो e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x इस टर्म को पहले लिख रहा हूं मैं, तो यहां पर बचेगा 10 cos 5x minus 24 sin 5x, तो ये आप इसे फाइनल आंसर बोल सकते हो, ठीक है।